सो गाइज हम आ चुके हैं अभी गड्ढे पान और यहाँ पर फाटक बंद है। चढ़ाया गया। चलो 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 बस झूठी झूठ मार में खांस रही है जबरदस्ती। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं भीड़ के बालाजी के टेंपल में और अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है। बाबो तो ये टेंपल जो है वो छोटा सा ही है लेकिन बचपन से देखते रहे। पहले यहाँ पे हुआ करता था, फिर पक्का इधर बना दिया अच्छे से और बाकी देवी देवता मतलब देवता जो भी है वो इधर हैं ये। और अगर कोई बाहर से आता है तो उनके लिए यहाँ पर धर्मशाला की व्यवस्था भी है और पुजारी जी का नंबर चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज ये जो टेम्पल है हनुमान जी का वो गांव से करीब 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर बाहर की तरफ है तो फिलहाल इसमें कलर वलर कर दिया गया है और अच्छा लग रहा है अभी। गाइस यहाँ पर बकरियाँ आ चुकी है गेहूँ खाने के लिए। ये खाने के लिए मिस्टी पैस की अब फोन निकालेगा तेरे को यहाँ से बकरियों के चुंगल ले। बस बेटा बस हाँ खिला बेटा खिला बकरियों खिला तू बकरियों को मारेगी। चले घर की ओर प्रस्थान करते हैं अभी। डब्बी इधर ना चला ना डब्बी अटी इधर। तो हम जहाँ जा रहे हैं हमारे पीछे बकरियां भी आ रही है। अभी हम घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो पीछे से बकरियां भी आ गई। पहले दाने खाए पूरे दाने जो गेहूं के वो फिनिश कर दिए उसके बाद में पीछे आ रही है क्योंकि हमारे गांव की बकरियां तो गांव जा रही है वो भला। अच्छा वो तो गाइस यहाँ पर जो है वो रोड की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और इसे बारहमासी खाड़ी के नाम से जाना जाता है जो कि बारहमासी बहती रहती है। हाँ पानी का जो स्तर है वो एकदम डाउन हो जाता है लेकिन इसका बहाव जो है वो चल रही है। जब 2002 में अकाल पड़ा था ना तो उस वक्त ज़रूर थोड़ा पानी का बहाव ख़त्म हो गया था और गड्ढे भर गए थे पानी के लेकिन उसके बाद से तो ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। और यहाँ पर बड़े बड़े बकरे जो आ चुके हैं कम से कम 15,000 का दिखेगा ये बकरा। तो इस वक्त भी जो है खाड़ी में पानी कम हो चुका है
जरड़ी। हेलो, आ गए चरके? चलो घर पे, चलो 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 चलो। तो गाइस, भैंसों को लेने के लिए आया था मैं।